गाइस तो अभी मैं आई हूँ द्वार पे। पंडाल बनना पीछे शुरू हो गया है, टेंट शामियाना लगना। और अभी मैं यहाँ द्वार पे बैठ के शांति से अपनी वीडियो का वॉइस ओवर करूँगी, एडिटिंग करूँगी। एक्चुअली घर में इतने सारे लोग हैं कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, आवाज़ें आती ही रहती है। और छत पे बैठ के सोची कि छत पे एडिटिंग कर लूँ, तो छत पे पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है और बगल वाले जो छत है उन पे, मतलब जो जिसका घर है वो लोग बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं बैठ के। तो इस वजह से एडिटिंग छत पे कर नहीं पा रही हूँ। अरे बाप रे, डॉगी एकदम डर ही गई एकदम से। ये हम लोग के घर का डॉगी है, ये मेरा डॉगी मतलब मेरे घर का डॉगी है। ये अभी पीछे से आया तो मैं डर ही गई एकदम से। तो चलिए यहाँ बैठ के मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। बच्चे इधर खेल रहे हैं, बच्चों की भी आवाज़ आ रहे हैं, पता नहीं कैसे एडिटिंग करूँगी। गाय भी बोल रही है, हे भगवान, वीडियो ही एडिट नहीं कर पा रही हूँ। अभी शादी में पता नहीं कैसे एडिट करूँगी मैं वीडियो, देखती हूँ करके हो पाता है कि नहीं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी पेंटिंग का काम चल रहा है। कुछ छोटे मोटे काम थे ना जो अभी बचे हुए थे, जो बारीकी से करना था वो सब बचे हुए थे। और पेंटिंग का जो काम था ये तो दिवाली के पहले ही हो चुका था, मेरे आने के पहले ही हो चुका था। छठ पूजा में मैं आई हुई थी, लेकिन ये छठ पूजा के पहले ही, दिवाली के पहले ही ये सब काम हो चुका था। लेकिन जो बारीकी से काम करने थे ना वो सब अभी रुका हुआ था, क्योंकि मतलब ये मजदूर लोग जो हैं इन लोग को टाइम नहीं था। एक्चुअली ये लोग कहीं और भी काम लिए थे, अब पेट पालना है इंसान को, काम करना तो पड़ेगा ही। तो वही अभी बारीकी से जो काम करना था वो अभी ये लोग कर रहे हैं। अब भैया की शादी एकदम नज़दीक आ गई है, दो चार दिन बचे हुए हैं, तो मम्मी ने कहा कि करवा दीजिए। तो ये देखिए अभी जो है नया नया ये पेंट हुआ है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा हो रहा है कि हम लोग के यहाँ हर साल किसी न किसी की शादी हो ही जा रही है, तो हर साल घर पेंट ही हो जा रहा है। और घर पेंट हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एक रौनक सी आ जाती है, एक चमक आ जाती है घर पे। जैसे हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, वैसे घर भी मेंटेन हो जाता है। और इधर आप लोग देख सकते हैं पंडाल बनने लगा है, सब पंडाल का काम लग गया है। और बच्चे यहाँ पे कुछ कुछ अपना झूले झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये एक छोटा वाला बच्चा जो है, ये फूल का जो डाली है ना ये बहुत बढ़ गया था, तो उसी को काट के निकाल रहा है। और बच्चा लोग को बहुत मज़ा आता है। मेरे मोहल्ले के जितने बच्चे हैं ना सब लोग मेरे यहाँ आते रहते हैं, मतलब कुछ कुछ काम भी कर देते हैं, खाना वाना भी खा लेते हैं, यही सब। अभी शादी है हम लोग के यहाँ, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है कि चलो कुछ मतलब अच्छा अच्छा देखने मिलेगा, शादी ब्याह में खाने पीने मिलेगा और खूब इन्जॉय करें सब। ये देखिए इतना सारा डाली काट के रखा हुआ है, फूल का डाली है, जो फूल होता है ना उसी का डाली है, काट के रखा हुआ है। ये देखिए ये कौन है बबी, के हा के हा ऐसा ना हमार बेटी हो ना मम्मी, ऐसा ना हमार बेटी हो ना, ऐसा ना हमार बेटी हो ना बबी, मम्मी भी जेबू चला ले चलो तनी। हम मम्मी ना है, हम मम्मी ना है ना, हम ना है तो के है हम, मौसी का मौसी, मौसी जी नानी, मौसी जी बोला, मौसी कहा कि चॉकलेट दीजिए मौसी हमको, मौसी चॉकलेट दीजिए हम के हैं, मौसी के मौसी। मेरे पड़ोस में एक लड़की है जो मतलब मुझसे तो छोटी ही है, उसी की बेटी है ये। और देखिए अपनी मम्मी के पास कैसे दौड़ते हुए जा रही है। इसको मैं खिला रही थी, गोदी ली हुई थी, तो इसको अपनी मम्मी की याद आ रही थी। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ी ना, दौड़ के भाग रही अपनी मम्मी के पास। कितना अच्छा लगता है ना, बच्चे मम्मी को कितना प्यार करते हैं। इधर पंडाल बनना शुरू हो गया है, बांस वगैरह लगे हुए हैं और मिट्टी ढोया जा रहा है। वो जो हम लोग का द्वार है ना, उधर नया नया घर बना हुआ है, वैसे से बना नहीं है, ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत बना हुआ है, तो उसी में मिट्टी भरा जा रहा है कि फिर गड्ढा रहेगा ना तो शादी ब्याह में दिक्कत हो जाएगी। तो उसी को भरा जा रहा है, आदमी लगे हुए हैं, मजदूर लोग लगे हुए हैं मिट्टी भरने के लिए। बहुत काम हो जाता है हम लोग के यहाँ शादी में, सब कुछ धीरे धीरे से सब कुछ किया जाता है। अभी चांदी मम्मी के पैरों में महावर लगा रही है, आलता लगा रही है, पाँव भर रही है। हम लोग बोलते हैं भोजपुरी लैंग्वेज में पाँव भरना, मम्मी यहाँ पे भी पाँव भरवा रही है, चांदी से आलता लगवा रही है। मम्मी ऐसे डेली ही पाँव भरवाती हैं, डेली आलता लगाती हैं अपने पैरों में। मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है आलता लगाना और हम लोग को भी लगवा ही देती हैं। अभी मम्मी कहीं जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं मैं आप लोग को बताती हूँ। जब भी मतलब कहीं जाती हैं बेटी या बहू ना, तो महावर लगाना एकदम जरूरी होता है। देखिए मेरी मम्मी का पैर कितना क्यूट क्यूट सा ना, छोटे बच्चों की तरह बहुत ही अच्छा लगता है मम्मी का पैर। तो वही मैं अभी शूट कर रही थी।
और मम्मी एकदम तैयार हो गई है, बनठन के तैयार है। अब मम्मी कहाँ जाएगी, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। मम्मी जा रही हैं तैयार होकर कहीं पे, अभी भैया की शादी है और शादी के पहले ही मम्मी निकल रही हैं यहाँ से। मम्मी और पापा दोनों लोग साथ में जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, चंदन यहाँ पे कार्ड समेटने में लगा हुआ है। समटा कही ले, कब समटाई? के वो कार्ड चाहिए। कितना कार्ड आयल बा फिर? 50 के घट गए रहे। 500 कार्ड बटा गए रहे और 50 को फिर से आयल बा घट गए रहे। तो पापा और मम्मी को अभी निकलना है, इसीलिए पापा ने कहा कि पहले मजदूरों को पैसे दे देता हूँ। मजदूर लोग काम कर रहे हैं ना, तो पापा बोले कि पहले मजदूर को पैसा दे देता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। क्योंकि मम्मी पापा आज जा रहे हैं तो कल आएंगे, इसी वजह से पापा बोले कि दे देता हूँ पैसे, फिर कल के लिए इंतजार करेंगे, ये लोग काम किए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्ड सजाया जा रहा है, बहुत सारा कार्ड है। मेरे फर्स्ट चैनल अविनाश ब्लॉग पे आप लोग ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे भैया की शादी की तैयारी जो है जोर शोर से चल रही है। अभी बहुत शॉपिंग भी हो रही है और शादी का कार्ड तो कब का छप गया था, एक महीने पहले ही छप गया था, लेकिन कुछ लोगों को बांट दिया गया था, कुछ लोगों को बांटना था। हम लोग गाँव में रहते हैं ना, तो हम लोग को बहुत सारे लोगों को कार्ड देना होता है, मतलब कम से कम 600-700 लोगों को कार्ड देना होता है। तो कार्ड सब अभी समेटा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को तो कार्ड बांट दिया गया है, लगभग 5% लोग हैं जिनको कार्ड देना है। तो अभी यहाँ पर सजाया जा रहा है, फिर कार्ड दिया जाएगा सबको जो लोग बचे हुए हैं। तो गाइज जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, मम्मी तैयार हो चुकी है और सुबह सुबह के टाइम हम लोग को छोड़ के जा रही है। चांदनी रो रही है पीछे। बिरू बिरू रो तरु, मम्मी छोड़ के जा रही है। मम्मी पहले हमने के छोटे छोटे रही जा, लोट लोट करवात रही जा ना, खास करके बिरू हमने के तक काम, बिरू को तक कहीं मम्मी ले ही के जाते रहे कहीं भी। तो चला अभी छोड़ के आवा रही दरवाजा तक। पापा मम्मी लोग अभी तैयार हो चुके हैं और अब मम्मी पापा लोग निकल रहे हैं घर से। जाना है इन लोगों को बलिया। बलिया आप लोग जानते होंगे बलिया कहाँ पे है, बलिया यूपी में पड़ता है। बलिया में हमारी बुआ लोग रहती हैं, तो उन्हीं लोग को इनवाइट करने के लिए, कार्ड देने के लिए पापा मम्मी लोग जा रहे हैं। शादी से पहले ही मतलब इन्वाइट कर दिया जा रहा है कि फिर वो लोग शादी में आ जाएँ। तो पापा यहाँ पर अपना गाड़ी निकाल चुके हैं, बाइक निकाल चुके हैं और अभी पोंछ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो और अभी मम्मी पापा लोग निकल जाएंगे बलिया के लिए, कल आएँगे ये लोग कार्ड देने के लिए। कार्ड दे देंगे उन लोग को, बुआ लोग को बुला लेंगे, उसके बाद फिर कर लाएंगे। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग बहुत रोते थे मम्मी पापा लोग कहीं जाते थे तो। अब तो खैर उतना हम लोग रोते वोते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो लगता ही है कि मम्मी पापा लोग छोड़ के जा रहे हैं हम लोग को, अच्छा नहीं लगता है। मम्मी पापा लोग अभी घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं अब बलिया के लिए। हैप्पी जर्नी, बाय, टेक केयर मम्मी पापा को। और बस अब मतलब मन तो थोड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मी के बिना मन तो बिल्कुल नहीं लगता है घर में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ज़रूरी था वहाँ भी जाना इनवाइट करने के लिए, क्योंकि सबको इनवाइट कर दिया गया है। 2-4 लोग बचे हुए थे जो मतलब जिनको अभी कार्ड नहीं दिया गया था, देने के लिए पापा मम्मी लोग चले गए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे हैं जो मेरे मोहल्ले के ही बच्चे हैं। आप लोग देखते होंगे ब्लॉग्स में, ये लोग हमेशा मेरे घर आते रहते हैं और मतलब कभी चॉकलेट वॉकलेट हम लोग खरीदवा देते हैं ना, तो खुश हो जाते हैं ये लोग। अभी बस यहाँ पे खेल रहे हैं और जब मैं इन लोगों को वीडियो में लेती हूँ ना, ये लोग खूब खुश होते हैं, बहुत ही प्यार से आते हैं वीडियो में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं आना वीडियो में, बट बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना कि मतलब बिना बोले भी ये लोग आ जाते हैं। और मेरे थोपड़े पर तो आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, मम्मी पापा लोग बहुत सुबह सुबह निकल गए हैं, तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, अभी मैं बाद में नहाऊंगी, 1 घंटे बाद नहाऊंगी। तो थोबरे पे मत जाइएगा बिल्कुल आप लोग। अभी मैं घर जा रही हूँ कुछ काम करके, मतलब नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद जो करना होगा करूंगी। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, यहाँ पे मुझे करना है पूजा अलमारी की। अलमारी ये नया नया खरीदा के आया है, तो इसकी पूजा करूंगी मैं। और हाँ, आप लोग से एक बात कहना भूल जाती हूँ ना, मेरे फर्स्ट चैनल अविनाश ब्लॉग पर अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि भैया की शादी का हर एक ब्लॉग वहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, शॉपिंग का भी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि हम लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, सब कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। और पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि ये वाला अलमारी खरीदा के आया है, तो इसकी पूजा अभी नहीं हुई थी, तो मम्मी बोली कि सामान रखने से पहले इसकी पूजा कर दो, तो वही मैं अभी पूजा कर रही हूँ, नहा धो के आई हूँ। तो और यहाँ पर मेरी बहन भी है,
जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ शादी ब्याह का घर है, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अभी मेरी बहन यहीं पे है, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो सुन रही है, क्योंकि उसको मेरे साथ ही सोना है, तो इंतज़ार करी है कि दीदी कब एडिटिंग करेगी और उसके बाद मैं चलूँगी सोने के लिए। साक्षी कुछ बोलो, बोलो हेलो, बोलो हेलो, बोलो। शर्मा रही है, नहीं बोल रही है। वैसे ये वीडियो में आएगी तो बोलेगी, आप लोग से व्लॉग में आएगी ना तो आप लोग से बात करेगी। साक्षी बोलो हेलो। अभी 6-7 साल की है साक्षी और छोटी सी बच्ची है, मेरे साथ ही सोती है। इसको दीदी से बहुत प्यार है, दीदी भी इसको बहुत प्यार करती है ना साक्षी। दीदी कितना प्यार करती है तुमको? बहुत बहुत। और हम और तुम कितना करती हो दीदी को? बहुत बहुत। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं ना साक्षी। और साक्षी मेरे को भी बहुत प्यार करती है, साक्षी आप लोग को भी बहुत प्यार करती है। साक्षी अभी आप लोग को मतलब मेरे साथ वॉइस ओवर कर रही है। अभी मैं क्या कर रही हूँ साक्षी, देखो तो पूजा कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? पूजा। दीदी क्या कर रही है? पूजा। किस चीज की? अलमारी। किसका है अलमारी? दीदी का। मम्मी का। किसका? मम्मी का। हाँ, ये मम्मी का अलमारी है, नया नया खरीदा के आया है। दीदी पूजा कर रही है और अभी जितना भी कपड़ा वगैरह खरीदाएगा ना, दीदी का, मम्मी का, भाभी का, पापा का, सबका कपड़ा इसी में रखा जाएगा ताकि सेफ रहे। और जो भी ज्वेलरी वगैरह खरीदाएगा भाभी का, सब रखा जाएगा ताकि सेफ रहे। तो अभी मैं पूजा कर दी हूँ और बस अब पूरे घर में ये कपूर जो है वो दिखा दे रही हूँ, और इसके बाद मिलेंगे हम लोग आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। कब मिलेंगे? नेक्स्ट व्लॉग। हाँ, तो अभी के लिए बाबा, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत, बाय।